के गहरत शब्दी का मातम अभी हम जिंदा है हम जिंदा बीबी ने दरबार में आके कहा कि मैं अपनी जागीर लेने के लिए आई हूं हाकिम ने कहा हमारे पास हदीस है नबियों का वारिस कोई नहीं होता बीबी ने कहा ये हदीस किसकी है फरमाया रसूल की फरमाया रसूल मेरा बाबा था या तेरा मुकदमा पढ़ो ना मुकदमा पढ़ो उसने कहा आप बिनते रसूल हैं बीबी ने कहा अगर मैं रसूल की बेटी हूं तो ये हदीस बाबा को मुझे कहनी चाहिए थी तुझे किस रिश्ते के बाद से कही अगली दलील नहीं दी बीबी ने यूं सरतन से जुदा कर दिया है ये बीबी की जरब का असर है जो मौलवियों को आज तक तकलीफ हो रही है बीबी ने दरबार में खड़े होकर कहा क्या हदीस है तेरे पास उसने कहा मेरे पास हदीस है नबी ने कह के गए थे कि हम वारिस बनते हैं ना बनाते हैं इतना कहना था बीबी मुस्कुरा गई फिर तू बता तुझे मेरे बाप ने वारिस बनाया है अगर नबी वारिस ही नहीं बनाते फिर खिलाफत क्यों मिली सैयद अपना मुनाजरा तो खुद लड़के गई अब सोशल मीडिया पे कह रहे हैं जी ये कहते हैं शिया कि सैयदा मासूमा थी अगर मासूमा थी तो क्या उनको नहीं पता था कि दरबार से हक नहीं मिलना तो दरबार में गई क्यों मैं सवाल का जवाब देता हूँ जब नबी को पता था कि कागज कलम नहीं मिलना मांगा क्यों अस्सलाम वालेकुम यार ये सलाम दात अकलम ला मैं हूं अली रजा आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल अली रजा हुसैन पूरी दुनिया के दिलों में छाने वाला हक की बात करने वाला हमेशा आपके साथ हाजिर होता है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसने कर दिया मायूस जिसने कर दिया चैनल को सब्सक्राइब दिल जीत लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर देना आगर हो मोमिन सबसे पहले आपको बताते चले कि यहाँ में सैयद अबी फातिमा सलामुल्लाह चाह रहे हैं जैसे आपको मालूम है हर मोमिन इस दिन खुशी नहीं मनाते क्यों नहीं मनाते जहां तक देख जाए चाहे दुनिया का अमीर तरीन हो गरीब तरीन हो बादशाह जो भी नहीं मनाएगा क्यों नहीं मनाएगा क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा की बेटी की शहादत का दिन है यार आज ना एक बात अपनी बेटी के हक के लिए इतना नहीं करते जितना शिया मोहम्मद हकीकत बात आप भी कहते हो कि नबी से प्यार नहीं करते मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी से इतना प्यार पता चल जाए कि शहादत 30 दिन रहते हैं 20 दिन रहते हैं जैसे ये 1 महीने पहले की बात है कुरान पाक की कसम है कि कुछ लोग कह रहे थे कि बीबी सैयद फातिमा सलाम की शहादत 1 महीने पहले की बात इतना याद है मोहम्मद की बेटी अभी भी कहते हो कि शियों को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं 1 महीने के पहले जबकि मुहर्रम आता है कुरान पाक कसम 1 महीने पहले ये किसकी शादी नबी की नमाज से शादी अब भी कहते हो हक की बात करनी चाहिए यार ऐसे वफादार कोई है किसी की विलादत किसी माँ की शहादत किसी की बीवी की विलादत शहादत 1 महीना पहले तैयार हो जाते हैं हजरत और सलाम तुम्हें कुरान पाक की कसम है बीबी सैयद फातिमा सलाम अलैहि की शहादत 1 महीना पढ़ो मुहर्रम में 1 महीना पढ़ो ये किसी है रमजान में की रमजान में पढ़ो इमाम अली अलैहि सलाम त्यार ये ऐसे कुरान पाक एक समझने की बात है बहुत बड़ी बात है ऐसे लोग दुनिया में भी कामयाब ऐसे लोगों को सलूट पेश करने का कुछ लोग शिया होकर लेकिन नबी की बेटी के दिन का याद यार बहुत बड़ी बुरी बात हुई ना कि शिया होकर मोहम्मद मुस्तफा की बेटी के बारे में हमेशा हमने जब भी बात किया मोहम्मद मुस्तफा की बेटी के हक के बारे में बात की मैं हमेशा सोशल मीडिया पे ये कह चुका हूँ कि जितनी भी बातें हमारे खिलाफ हो जाए जितनी भी बातें हमारे खिलाफ लेकिन हम चुप करके बैठ जाएंगे कोई बात नहीं अगर हो नबी की बेटी के खिलाफ या है मैं मुस्लिम के खिलाफ नहीं फिर हम चुप करके नहीं बैठे अगर हमारे खिलाफ जितनी भी बातें करनी है चाहे सोशल मीडिया पर फिलहाल लेकिन अगर मैं नबी के बेटी के बाद इससे बढ़कर भी कोई वफादारी है यार अभी लोग कहते हैं कि नबी से इश्क नहीं शियों को इससे बढ़कर क्या वफादारी है कि उसकी बेटी की शहादत और 40 दिन पहले 30 दिन पहले थे जब मेरे प्यार नबी की विलाद त्यार यार इससे बढ़कर क्या शिया जैसा कोई वफादार है नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं हो सकता कहीं नहीं मिलेगा शिया जैसा वफादार मुझे दिखाओ तो जो शिया जैसे वफादार कहीं नहीं मिलेगा लेवल है यार हजरदारों का तुम्हें सलाम है कुरान पाक की इज्जत के समय कभी हमने दावा नहीं किया कि जन्नत में जाएगी ये हो गया ये हजरदारी करते हैं हमारा किरदार बताएगा कि जन्नत के जाने के काबिल होना हमारा किरदार मेन बात होती है करेक्टर करेक्टर की वजह से आप बात करेंगे कि जनाब से जन्नत में पहुंचे हमारा लेवल है यार लेवल है यार जिस स्टेज पे जाओ लेवल पूरी दुनिया में सलूट पेश करती है हमारे किरदार देखकर सलूट पेश करते हैं हिंदू कुरान पाक के समय हिंदू देखकर हमें सलूट पेश करते हैं हिंदू हिंदू अंग्रेज
وہ ہمیں سلام پیش کرتے ہو سلام حسین کے زیادہ، کیونکہ ہم نے ہمیشہ مظلوم کے ساتھ اور ظالم کے خلاف، یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے اور یہ شیعوں میں نظر آتی ہے. میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمان، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ شیعہ سنی، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں. شیعہ کا میں اس لیے دہرا رہا ہوں، شیعہ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ ان میں کچھ الگ ہی ہے. حقیقت میں مسلمان کی بات الگ ہی ہے، قرآن پاک کے قسم الگ ہی بات ہے. جتنا بھی میں جتنے بھی میں محمد مصطفیٰ جتنے بھی سلور جتنا بھی سلور پیش جتنے بار میں یہ کہنا چاہتا ہوں قرآن پاک کی عزت قسم، یہ نہیں کہ میں شیعہ ہوں میں یہ ہوں، میں یہ نہیں کہتا میں شیعہ میں مسلمان، چلو ٹھیک ہے شیعہ نہیں، لیکن اگر میں شیعہ نہ ہوتا جو ان کے کردار کا مقصد تھا قرآن پاک کے ساتھ مجھے مجبور کر دیتا ہے. یہ حسین بادشاہ کی عزت کے قسم ہے، میرے مولا نے وہ کام کیا. آج کربلا جاؤ نجف جاؤ، ہندو آتا ہے، عیسائی آتا ہے، سکھ آتا ہے، اور آئی یہاں کچھ لوگ مسلمان ہو کر کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کے بیٹے خطاب، پتہ نہیں کیا کیا بات کرتے ہیں یار. کوئی حد ہے یار بات کرنی ہے آگے بڑھ، حد ہے یار، کچھ دیکھا کرو یار، ایک بات آپ کی کرو سمجھے گوشے کی کیا لیول ہے. شیو کا شیو کا کردار سلام ہے، عزدار تمہیں وفادار ہو سلام ہے یار، جیسے بات کرو سلام ہے تمہیں، سلام ہے بار بار کہہ رہے سلام ہے یار، جیت رہو آباد رہو بیوی ہمیشہ تمہیں سلامت رکھے. انہوں نے اس طرح ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علی رضا حسین کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا. میں تھا علی رضا، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا یوٹیوب چینل علی رضا حسین، سبسکرائب اور لائک تو آپ نے کر دیا ہوگا. اس طرح میں لیتا ہوں اجازت، دیتا ہوں خیر، اللہ حافظ.